नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करेंगे लेशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। जी हाँ, आप जैसे एक व्यूअर हैं अंकित शर्मा जी, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डेट फ्री है, पेनी स्टॉक है, कोई कई सारी चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। आपसे गारंटी है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, अब इसको लेना चाहिए, रुकना चाहिए या एवरेज करना चाहिए। वॉट एवर जो भी आप सोच रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसे लिखा है सेम इसी तरह से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पे विश्वास रखता हूँ। केवल काम की चीज़ वगैरह, न्यूज़ वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डालता हूँ और अपने वीडियोज़ की लिंक यहाँ पर शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करें, आप देख पा रहे हैं 4.26 पे, और फिलहाल किसी भी तरह की और किसी ग्रुप में नहीं है, ना कोई IRP वगैरह चल रही है, ना ही कोई इस पर इंसॉल्वेंसी का कुछ मामला चल रहा है। अगर आप बात करेंगे इसके कामकाज की, तो आप देखिए, आप देख पा रहे हैं ये स्टील प्रोडक्ट्स में के ट्रेडिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड डीलिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटी। तो मतलब कुल मिला के आप स्टील सेक्टर में भी ये कामकाज है और फिनेंशियल सेक्टर में भी इसका कामकाज है। बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की अगर हम, तो मार्केट कैप इसका 46.90 करोड़ है, माफ़ कीजिएगा 46.9 करोड़ है, यानी 46.90 करोड़। लेकिन आप ये समझिए कि ये बहुत ही छोटा माइक्रो कैप है, आप इससे बिल्कुल ही बच के रहेंगे। ROC की बात करेंगे तो 2.85% अच्छा नहीं है, ROE की बात करेंगे तो 2.49%, जनरली 15% के आसपास दोनों ही हों या उससे ऊपर हों तो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन फिर भी इतने छोटे मार्केट कैप के हिसाब से पहले ये प्लस में है, यही बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, 41.4% के आसपास है, और प्लस परसेंटेज अगर आप बात करेंगे तो 0 है, ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है प्रमोटर होल्डिंग, तो ठीक है कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं, अगर आप डेट की बात करेंगे तो आप ये देखिए 0.33 करोड़ यानी 33 लाख का इसके ऊपर मात्र डेट है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.02। तो आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर एक तरह से इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स मेंटेन करती है। फेस वैल्यू 1 रुपया है, और लोअर हाई की बात करेंगे तो 3.70 रुपये का लो लगाता है और 30.90 रुपये का हाई लगाता है, और अभी चल रहा है 4.26 रुपये पे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस तरह के स्टॉक्स में ऑपरेटर्स किस तरह तरीके से एक्टिव रहते हैं और कैसे फंसते हैं। अब जिन्होंने 26 रुपये, 25 रुपये, 24 रुपये, 20 रुपये पे लिया है, उनकी हालत सोचिए इस समय क्या होगी। प्रॉज एंड कॉन्स वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें सेल्स में, तो आप देखेंगे दिसंबर 2022 में 1.46 करोड़, सारी वैल्यू करोड़ में है, आप देख पा रहे हैं। सितंबर 2022 में भी सेम एग्जैक्ट आई थी 1.46 करोड़, और दिसंबर 2021 में 1.94 करोड़, तो वहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब बात करें, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए 2.058%, 8.18, 9, 5.15, तो यहाँ पर इसका फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो ठीक ठाक दिखता है। बात करें अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए मात्र 2 लाख का प्रॉफिट आया था दिसंबर वाले क्वार्टर में, उससे पहले वाले में 11 लाख का था, उससे पहले 34 लाख, तो यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और 1 लाख का प्रॉफिट आया था पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो यहाँ से आप देखने को कह सकते हैं कि हाँ बढ़िया जम्प देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट काफ़ी कम है। ईयरली लेवल पर बात करेंगे तो आप देखिए सारी वैल्यू करोड़ में है। सेल्स की बात करेंगे तो 7.25 करोड़ मार्च में, उससे पहले 2.64 करोड़, उससे पहले 1.40, उससे पहले 0.98। तो पिछले 4-5 सालों में आपको सेल्स में बढ़िया अपट्रेंड दिख रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो 9.28 करोड़ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर आपको पॉजिटिव आता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, उससे पहले तो आप नेगेटिव देख रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कंपनी लॉस में ही चल रही थी कई सालों से। ये देखिए आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ये देखिए आपको लगातार यहाँ पर पूरा लॉस ही लॉस है, यहाँ से नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर यहाँ से अभी प्लस में आना चालू है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। लॉस से कंपनी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस में आई है, उसके बाद आपको लगातार एक ऊपर जाते हुए थोड़ा सा मामला दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन बनता है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2011 में माइनस में था, वहाँ से आप देखेंगे प्लस में, और लगातार यहाँ पर बढ़ता रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे हैं अच्छा खासा इन्होंने ऊपर बढ़ाया अपने रिजर्व्स को, और अभी फिलहाल 7.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर मामला दिख रहा है। और सारी वैल्यू यहाँ पर आप जितने भी मैं बताता हूँ जनरली करोड़ में ही सारी वैल्यूज होती हैं। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 41.43%, इससे पहले भी आप देख पा रहे हैं 41.43% है, और बचा हुआ मामला सारा पब्लिक के पास है, और FIR ODI यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। स्कोर कार्ड की बात करें तो भैया एंट्री पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एवरेज है, और रेड फ्लैग कोई नहीं है फिलहाल, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का PE अगर आप बात करेंगे तो 65.85 है, सेक्टर का PE है 50.26, जो कि इसके हिसाब से थोड़ा सा अभी फिलहाल महंगा मामला दिख रहा है।
पीयर्स की बात करेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेज एक साल में 8.09% प्लस में, फिलहाल तो अभी प्लस में आ गया, नहीं तो अच्छा खासा डिप मार चुका था, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया था। MMTC एक साल में 36.92% माइनस में, MSTC एक साल में 14.77% माइनस, और श्री ग्लोबल की बात करेंगे तो एक साल में 2.25% प्लस में। कंपनी देखिए रेवेन्यू तो अपने लगातार बढ़ा रही लेकिन प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रही, देख रहे ना 0.07 यहाँ पर प्लस में आया, प्लस में नहीं माफ़ कीजिएगा लॉस में है, यहाँ पर भी लॉस में, यहाँ पर भी लॉस में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस में आया मामला, तो ये एक थोड़ा सा मामला पॉजिटिव बन सकता है। बाकी अब ट्रेलिंग 12 मंथ आपने देखा कि थोड़ा ठीक चल रहा है, तो इस बार भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न्स की बात करेंगे तो ईयर टू डेट 28% माइनस, एक वीक में प्लस में दिया इसने 3.9%, एक महीने में 12% माइनस, 3 महीने में 32% माइनस, 6 महीने में 67% माइनस, 1 साल में 30% माइनस, 2 साल में 358% के रिटर्न, 3 साल में जहाँ था वहीं है, 5 साल में 353% के रिटर्न। बात करें डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम की तो आप देखिए 1 मंथ का एवरेज 4 लाख, 1 वीक का एवरेज 4 लाख, यस्टरडे की बात करेंगे तो यानी कि शुक्रवार की बात है, आज मंडे है, 2 लाख, और टुडे की बात करेंगे तो 3 लाख का यहाँ पर मंडे को वॉल्यूम देखने को मिला है। वहीं अगर आप डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो 72% 1 मंथ का एवरेज है, 67%, 1 वीक का एवरेज है 74% यस्टरडे, तो आज भी मान के चलिए 70% के पास आसपास उठाया गया, तो यानी कि 2,10,000 के करीब शेयर घर लेके गए हैं लोग अपने। बात करते हैं इसके चार्ट की, तो चार्ट देखिए लगातार गिरावट गिरता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये वाली लाइन, ये लगभग 3.75 रुपये के आसपास की है, तो 3.75 रुपये भी एक इसका इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है, और अगर वो टूटता है तो फर्दर आपको 3 रुपये और 3.50 रुपये के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप समझदारी से काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आप बचे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पेनी स्टॉक है कितने, अभी आप आगे देखिए, देखेंगे आप ऑपरेटर्स कैसे खेल करते हैं, मैं आपको समझ में आ जाएगा, दिखाता हूँ। और RSI की बात करेंगे तो 43.12 है, ये देखिए यही ऑपरेटर्स देखिए भगा के लेके गए थे इसको 30 रुपये के तक, और 30 रुपये के बाद फिर यहाँ पर देखिए जिन्होंने लिया होगा उनकी क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि क्या हालात होते हैं। 4.26 रुपये पे है, जो लोग एंट्री बनाना चाहते हैं 3.75 रुपये तक का इंतजार करें, एज पर माई पर्सनल व्यूज मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ, 3.75 रुपये के आसपास आपको मिलता है तो उतना ही पैसे लगाइए जितना खोने और डूबने के लिए आप तैयार रहें। फंडामेंटल आपने खुद देखे हैं, आपको समझ में आ गया है कितना छोटा मार्केट कैप है, बिल्कुल आप जबरदस्ती का इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और जिन्होंने ऊपर एंट्री वगैरह बना रखी है, जिन्होंने ऊपर ले रखा है, वो एवरेज करने की गलती कतई मत करें, इस तरह के स्टॉक में एवरेज कभी नहीं किया जाता है, आप चीज़ों को समझिए, समझ रहे हैं। और ये रही मंथली लेवल पे, तो आप देखिए लगातार जितने 3 महीने ऊपर गया था उसके बाद लगातार जितना पे भागा था उससे भी नीचे आपको ये आता हुआ दिख रहा है। मंथली लेवल पे RSI की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कमजोर दिख रहा है, 45.08 बहुत ही ज़्यादा कमजोर यहाँ पर दिखता है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, मैं बताता हूँ, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं जानता हूँ मेरी बात कई लोग नहीं भी मानते हैं, मुझे ये भी पता है, और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं और फंस जाते हैं, तो खैर मेरा काम है गाइस बताना, मैं आप सबको गाइड कर सकता हूँ, एक वीडियो के थ्रू बताता ही हूँ, करना ना करना सब आपके ऊपर है। तो आशा करता हूँ आप सभी जैसा मैं बताता हूँ कोशिश करता करेंगे कि वैसा ही करें। खैर जो भी है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और फ्री में अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एस्प्रेसो बाय शेयर खान या LIS ब्लू किसी में भी खुलवाना चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद।